चलो कहीं चलते हैं, उठो तो सही, चलो अभी दिल्ली में है, यहां से चलते हैं मुंबई, फिर वहां से चलेंगे कलकत्ता, फिर वहां से आएंगे जयपुर, फिर चलेंगे अहमदाबाद, फिर आएंगे दिल्ली, फिर चलते हैं शिमला। हाँ बस यही क्वेश्चन है माइंड में कि हम जा कहाँ रहे हैं। यही क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से कि कहाँ जा रहे हो। मैं फिजिकली जाने की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ में अपने गोल की बात कर रहा हूं। कुछ सोचा है? कोई लाइफ में गोल है? कोई डेस्टिनेशन है? कुछ डिसाइड किया है कि क्या फाइनेंशियल गोल है, क्या स्पिरिचुअल गोल है, क्या रिलेशनशिप गोल है? कुछ सोचा है? बिना गोल के लाइफ में क्या अचीव कर पाओगे? कुछ भी नहीं। गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना गोल के कॉन्सेंट्रेटेड माइंड नहीं हो सकता, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपने कभी डिसाइड किया कि आपको कोई गाड़ी खरीदनी है या कोई बाइक खरीदनी है, जब आप ये गोल बना लेते हो तो आपको रोड पे जब जाते हो तो आपको वही बाइक या गाड़ी दिखती रहती है। जब आप सोचते हो कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आपका माइंड सेट हो जाता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तब उसको चारों तरफ देखता है उस एग्जाम से रिलेटेड। तो जब आपके माइंड में गोल होता है तभी आप उसको अचीव कर पाते हो। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप अपना क्या गोल सेट करो, वो आपको बेहतर पता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि उस गोल को 5-step प्रोसेस से कैसे अचीव किया जा सकता है। ये प्रूवन मेथड है। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहो। मैं हूं लोकेश लालवानी, मैं एक कॉरपोरेट ट्रेनर हूं और मैं इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस और वैल्यू एडिशन वीडियोस बनाता रहता हूं और अपने चैनल पर डालता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे आप देख रहे हैं सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उसको जरूर हिट करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो इस तरह के वीडियोस आप देख पाओगे जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी और अपने लाइफ गोल को अचीव कर पाओगे। तो बात करते हैं वो 5-step प्रोसेस की। पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, अपना गोल डिसाइड करने के बाद उसको डेली बेसिस पे विजुअलाइज करो। एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आपका गोल ये है कि आपको एक लीन फिजिक चाहिए, एक फिट बॉडी चाहिए, तो आपको पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आउटकम होती है, जो रिजल्ट होता है, वो आप दो बार अचीव करते हो, एक बार नहीं दो बार अचीव करते हो। पहले अपने माइंड में उसको विजुअलाइज करके कि आपको कैसा दिखना है और उसके बाद रियलिटी में अचीव कर पाते हो। अगर आप ये सोचते हो कि आपको प्रमोशन चाहिए या आप अपनी कंपनी चलाना चाहते हो, तो आप विजुअलाइज करो कि जब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे तो कैसी चीजें होंगी। तो पहले विजुअलाइज करो, तब आप वहां पे पहुंच पाओगे। अगर आप चाहते हो कि एक कोई अच्छा एग्जाम क्रैक करना या एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो पहले विजुअलाइज करो कि आप वहां पर हो। जब आप विजुअलाइज करोगे तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। तो पहला स्टेप विजुलाइज करना। दूसरा स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग, अपने ऊपर एक गुड प्रेशर बिल्ड करना। प्रेशर दो तरह से होते हैं, एक गुड और एक बैड। अब ये मत बोलना कि पहले ही लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर है, नहीं, मैं बात कर रहा हूं गुड प्रेशर की, कि आपने जो गोल सेट किया वो तो अभी तक आपके पास ही है, आप ही को पता है अपने गोल के बारे में, तो कैसे आप अचीव करोगे, कहां से आएगा प्रेशर? वो इस तरह से आएगा कि आप पब्लिकली बताओगे कि ये मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना है। अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में, अपने सोशल मीडिया पे बताओ खुल के कि आपको ये अचीव करना है। सपोज अगर आपको फिट होना है तो आप वो गोल शेयर करो पब्लिक से कि अगले एक साल के अंदर मुझे फिट होना है। जब आप पब्लिकली डिफाइन कर लेते हो तो आपके ऊपर एक गुड प्रेशर आ जाता है, और कोई भी नहीं चाहता कि पब्लिक के सामने जो आपने कमिट किया है वो आप पूरा ना कर पाओ। तो वो उस प्रेशर के लिए आप अपने गोल को ऑटोमेटिकली अचीव करना शुरू हो जाओगे। थर्ड स्टेप इस प्रोसेस में वो ये है कि अपनी टाइमलाइन को डिसाइड करना। फिट होना है, हो जाएंगे, पूरी लाइफ पड़ी है। कोई एक एग्जाम क्रैक करना है, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, उसके नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अपनी कंपनी शुरू करनी है, अपना बिजनेस शुरू करना है, जॉब छोड़ के अभी बैठे हैं, चल रहा है, कर लेंगे, ये सब क्या है? ये बिना टाइमलाइन का नतीजा है। जब तक टाइमलाइन नहीं होगी माइंड में, तब तक आप अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पाओगे, उसको अचीव नहीं कर पाओगे। अपने कदम तो उठाओगे लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाओगे जब तक टाइमलाइन नहीं होगी। तो टाइमलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ स्टेप अपने गोल को अचीव करने का वो ये है, रूल ऑफ 21। अब देखो,
कभी भी अपने आप को गोल को अचीव आपको करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स लानी पड़ेगी जो उस गोल की तरफ आपको लेकर जाएगी। तो हैबिट कैसे बनती है? हैबिट बनने में 21 दिन लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम सब में बहुत ज़्यादा बुरी आदतें हैं, टाइम वेस्ट करना, मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करना, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बुरी आदतें हैं। किताबें ना पढ़ना, अपनी क्रिएटिविटी शो ना करना, एक ही कंफर्ट जोन में चलते रहना, ये क्या है? ये सारी की सारी बुरी आदतें हैं। और बुरी आदतें मिटती नहीं हैं, ध्यान रखना, बुरी आदतें मिटती नहीं हैं, लेकिन उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अच्छी आदतों से। अब वो कैसे रिप्लेस करोगे? उसमें ऑन एन एवरेज 21 दिन का टाइम लगता है। तो अगर आपने आज शुरू किया तो ये मत सोचो कि आज ही रिप्लेस कर लोगे, नहीं, टाइम लगेगा। वो ही टाइम सबसे ज्यादा हार्ड होता है। कभी भी आप जिम जाते हो, 90% लोग पहले ही 5 या 10 दिन में जिम जाने के बाद छोड़ देते हैं। आपको भी ये चीज पता है, राइट? ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे ही हम मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं और उसके ऊपर देखना शुरू करते हैं नोटिफिकेशंस, ईमेल्स एंड ऑल, राइट? वो एक बहुत बड़ी बैड हैबिट है। ह्यूमन माइंड एक कंप्यूटर की तरह ये होता है, जैसे जैसे ही आप उसको ऑन करते हो तो वो कुछ मिनट्स या सेकंड्स लेता है प्रोसेस होने में, बूट होने में। ऐसे ही जब आप उसको शट डाउन करते हो तो कुछ मिनट्स या सेकंड लेता है ताकि वो इजीली शट डाउन हो सके। ऐसे ही जैसे ही इंसान सोकर उठता है तो उसके पहले 10 मिनट और सोने से पहले के 10 मिनट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे ड्यूरेशन में जब वो जागा हुआ है उसके माइंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ये एक अच्छी हैबिट आप रिप्लेस कर सकते हो। आप अपने बुरी हैबिट को रिप्लेस कर सकते हो इस अच्छी हैबिट से कि सुबह उठ के 10 मिनट शांत रहो, कुछ ना करो, ताकि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो। उसको वो जागने में थोड़ा टाइम लेता है तो वो अपना आराम से जागे, एकदम इंफॉर्मेशन मत लेकर आओ उसके ऊपर, राइट? तो ये टाइम लगता है, 21 दिन का टाइम लगता है। नाउ फिफ्थ स्टेप, जो इसका लास्ट स्टेप है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है अपने प्रोसेस को एंजॉय करना रादर देन वेटिंग फॉर द डेस्टिनेशन। जब आप वहां पहुंच जाओगे तो एंजॉय करोगे, ऐसा कभी मत करना। यू नो, अ डे विदाउट लाफ्टर और लव इज अ डे विदाउट लाइफ। हमेशा जो भी कर रहे हो उसको एंजॉय करो, हर दिन को एंजॉय करो। अगर आप ये समझते हो कि आपने स्कूल पास आउट किया और 4 साल का डिग्री या डिप्लोमा आप करोगे, जब वो अचीव कर लोगे या आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आप एंजॉय करोगे, तो आप पार्टी करोगे, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 साल आप पढ़ोगे तब तक क्या एंजॉय नहीं करोगे लाइफ को? और जब वहां पहुंचोगे तभी एंजॉय करोगे, क्या फायदा हुआ है? 4 साल मतलब आपके कंप्लीटली वेस्ट हैं अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे। You should enjoy each and every moment. You should actually live. Enjoy means you should live it. ऐसा ना हो कि आप destination के चक्कर में अपनी पूरी life ही बर्बाद करें, उसको हमेशा sad रह के, irritated रह के बिताएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका गोल है कि आप एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें, आपकी बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो, तो जब होगा मैं तब खुश होऊंगा, तब मैं ऐसे बैठूंगा, तब मैं ऐसे उठूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, तब मैं एंजॉय करूंगा, तो तब तक अचीव करने में भी तो टाइम लगेगा। कैसे करोगे? सैड रह के करोगे? परेशान रह के करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करोगे। लिव एवरी डे टू द फुलेस्ट। So I believe आपको ये 5 steps इस प्रोसेस में समझ आए होंगे, एंड I believe आप लोग इसको यूज करोगे। सबसे पहले अपने गोल को विजुलाइज करोगे, डेली बेसिस पे अपने ऊपर एक गुड प्रेशर बिल्ड करोगे, टाइमलाइन डिसाइड करोगे, 21 दिन का टाइम लोगे एक अच्छी हैबिट को आने में, और फाइनली हर एक डे को खुशी से एंजॉय करके बिताओगे। सो आई होप आप अपने गोल्स को, अपने लाइफ गोल को जरूर अचीव कर पाए। सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। प्लस इस वीडियो को जरूर लाइक करना। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।